सूरह शम्स पढ़ें, शर्तिया औलाद पाएं इंशाअल्लाह ताला। शेखुल वज़ाइफ का बताया हुआ अमल, ये अमल बे औलादी के हर किस्म के मसाइल का आखिरी हल और तीर बेहदफ है। इस अमल की बरकत से ऐसे बे औलाद जोड़ों की भी झोलियाँ भरी हैं जो 30 साल से बे औलाद थे। इसके अलावा इस अमल के और भी बेशुमार फवायद हैं, रिज़्क, रूहानियत, कामयाबियाँ, चैन, बरकत, सुकून में हैरत अंगेज इजाफा और नामुमकिन मसाइल फौरी हल। इस अमल को दो तरीकों से किया जा सकता है, आपको जैसे सहूलत हो इस तरीके के मुताबिक अमल करें। मियां बीवी दोनों ये अमल करें, कोई एक भी कर सकता है, आप किसी की नियत करके भी पढ़ सकते हैं। अमल का तरीका, नंबर एक, हर माह चांद की 13 से 19 तारीख तक 7 दिन लगातार इशा के बाद चांद को टिकटिकी बांध कर देखते हुए 41 बार सूरह शम्स मा तस्मिया पढ़ें, अव्वल व आखिर 7 दफा दुरूद शरीफ। अगर चांद बादलों में हो और नजर न आ रहा हो तो अंदाजे से आसमान की तरफ देखते हुए पढ़ लें। हर माह 7 दिन ये अमल करें। अमल का ये तरीका माहनामा अबकरी जून 2014 जन्नात का पैदाइशी दोस्त के कालम में छप चुका है। अमल का तरीका नंबर दो, अमल के इस तरीके में ना ही चांद को देखने की जरूरत है और ना ही चांद की तारीख की कैद है। ये अमल पूरा महीना जब चाहें करें। रोजाना सुबह शाम 40 बार सूरह शम्स मा तस्मिया पढ़ें, अव्वल व आखिर 7 दफा दुरूद शरीफ। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने मकसद के हुसूल तक रोजाना इस अमल को करते रहें। अस्माए हसना से मुश्किलात का हल, या कुद्दूसू के करिश्मात। हर किस्म के बुखार से निजात के लिए जिस शख्स की बुखार जान ना छोड़ता हो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद आधा गिलास पानी पर 21 मर्तबा इस इस्मे मुबारका को पढ़कर दम करे और पी ले। बुखार अल्लाह के फजल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बीमारियां और नाजायज शहवत, सुबह तहज्जुद के वक्त 100 बार ये इस्मे मुबारका पढ़ने से हर तरह की रूहानी जिस्मानी बीमारी बलाएं और नाजायज शहवत भी ख़त्म हो जाती है। ज़ेर नाफ बीमारियाँ और टेंशन, जहनी टेंशन और डिप्रेशन, छूती बीमारियाँ, ख़ारिश, वसावस, ज़ेर नाफ जनाना और मर्दाना बीमारियों का आखिरी इलाज ये वजीफ़ा है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह या सारा दिन इसे कसरत से पढ़ें। वजीफ़ा, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामु। अल मुमिनु के करिश्मात, बुरी आदत से निजात। जो शख्स झूठ, चुगलखोरी, गीबत, बहतान और इस किस्म की बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसे चाहिए कि हर फर्ज नमाज के बाद 136 मरतबा इस इस्म का विर्द करे। बेपनाह दौलत और रूहानियत, जो शख्स इस इस्म मुबारका को बकसरत पढ़ता है अल्लाह पाक उसे बेपनाह दौलत और रूहानियत अता फरमाएंगे। ये हक ताला की अमान में रहेगा और इस पर कभी शैतान काबू ना पा सकेगा। रूठे मियाँ बीवी में मोहब्बत का अमल, मियाँ बीवी में से जो बद अखलाक हो तो दूसरे फर्द को चाहिए कि रोजाना 1000 मरतबा इस इस्मे मुबारका का जिक्र करते हुए तसव्वुर में अपने मतलूब को रखे तो कुछ ही दिनों में ये घर मोहब्बत और उल्फत का गहवारा बन जाएगा। ये अमल तस्खीर के लिए लाजवाब है। कारोबार मामलात वगैरह में लेन देन करने से पहले अगर कुछ दिन ये अमल कर लिया जाए तो हर किस्म की बुराई, बदअखलाकी और नुकसान से हिफाजत रहती है। या सलामों के करिश्मात, बीमार की जल्द सेहतियाबी के लिए इस इस्म को रोजाना 131 बार पढ़कर मरीज पर दम करें तो मरीज बहुत जल्द सेहतियाब हो जाता है। खातिमा बिल खैर के लिए, जो शख्स फजर के बाद 131 बार इस इस्म मुबारक का विर्द करता है वो अल्लाह के फजल से ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होगा। बड़े बड़े हादसात से उसकी हिफाजत होती है, उसके इल्म में बेशुमार इजाफा होगा। मुखालिफ को मेहरबान करने के लिए अगर इस इस्म को 690 बार पढ़कर मीठी चीज पर दम करके किसी भी मुखालिफ को खिलाएं तो वो मेहरबान हो जाता है। 1 मिनट में भलाई हासिल करने का अमल, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम 15 बार पढ़ना हर तरह की तंगी और बुराई में खैर और भलाई हासिल होने का जरिया है।